अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ये है फ्राइडे की क्लिप। शायद के लिए मैं सुबह सुबह अंडा ब्रेड बना रही हूँ टिफ़िन बॉक्स के लिए। मैं ज़्यादातर फ्राइडे के दिन हैवी नाश्ते का नहीं रखती हूँ। शेजान आ गया है, कपड़ा खींचते जा रहा है, मुझे किचन में खड़ते ही आना स्टार्ट हो जाता है इसका। और इधर मैं दूध ले ली हूँ अपने हिसाब से, एक अंडा, दूध और शक्कर को अच्छे से मैं मैश कर ले रही हूँ और एक किरकिर लगा। अभी इधर मैं तवा रख दी हूँ, इसमें एक चम्मच घी डाल दी मैंने, मस्का, घी, तेल जो डालना डाल सकते हैं। उधर दूध और अंडा शक्कर को मैंने मिक्स करके ले ली हूँ। और ब्रेड के मैंने चारों स्लाइस कर दी, एक ही ब्रेड में चार टुकड़े कर दी हूँ। उसको अच्छे से डिप कर दी मैंने दूध अंडे शक्कर में, दोनों तरफ से डिप करके मैं ऐसा घी में डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों को और बहुत हेल्थी भी होता है, अंडा भी रहता है, दूध भी रहता है और झटपट बन जाता है, फटाफट। कभी लेट हो गया आप टिफ़िन बॉक्स के लिए, कभी अपने को भी भूख लग गई तो ऐसा फटाफट बना के खा सकते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं है, इसमें डालो, डिप करो और पकाओ, खाओ। ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा शैलो फ्राई कर दिए बस हो गया। और ना तो डीप फ्राई करने की ज़रूरत है, ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, फटाफट बनता है और अच्छा भी लगता है बच्चों को। ऐसा देखिए, जहाँ जहाँ सूखा लग रहा है उधर दूध डाल देने का, सॉफ्ट हो जाता है, मीठा मीठा लगता है, नरम रहता है अंडे की वजह से। दोनों तरफ से अच्छे से शैलो फ्राई कर लेना है। ये कभी कभार ऐसा मेरा तबीयत सही नहीं रहेगा ना, वो टाइम पे मैं ऐसा करके दे देती हूँ। आज फ्राइडे है, मेरी तबीयत थोड़ा लो हो गई है आज, तो मेरा मूड भी नहीं हो रहा है आज कुछ भी काम करने का। और ऊपर से फ्राइडे भी है, बहुत हैवी काम भी हो जाता है, दोनों को सबको नहलाना, कपड़े धोना, ये वो। तो एक्चुअली मैं फ्राइडे के दिन कपड़े धोने का रखती ही नहीं हूँ, कभी थर्सडे रखती हूँ या तो सैटरडे रखती हूँ मैं, या तो संडे। फ्राइडे के दिन तो रखूँगी ही नहीं धोने धाने का। ऐसे ही करके सारी ब्रेड्स को मैं ऐसे डिप कर ले रही हूँ। ये मैंने दे दी हूँ, शायद को खाते हुए बैठा है, बाकी के मैं बॉक्स में डाल रही हूँ, टिफ़िन बॉक्स में, ऐसा न्यूज़पेपर रख के मैं डाल दी हूँ, तो एक खा लेगा स्कूल में लेके जाके। और इधर शायद के पापा को भी थोड़ा दे दी मैंने चाय डाल के, और ये डाल के अच्छा लगेगा। थोड़े बहुत झींगे थे तो मैंने फ्राई कर रही थी, रात की दाल चावल है, भिंडी की भाजी भी है तो मैं वही गर्म करके ले रही हूँ। और ये झींगे की भी ऑलमोस्ट फ्राई करके ले रही हूँ, यही लंच में खा लेंगे। आज जुम्मा है, स्पेशल मैं कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ आज, तबीयत थोड़ी मेरी सही नहीं है उस हिसाब से, तो इसलिए मैंने ये वीडियो अगले दिन अपलोड करना पड़ा मुझे, उसी दिन नहीं अपलोड कर पाई हूँ मैं। दाल चावल भिंडी की भाजी खा रहे हैं हम, वही तो। मुंबई में तो हवा चल रही है, इतना कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है बहुत से लोग को, सबको। और मैंने सरसों के तेल में लहसुन को पका के ली थी ठंडा होने के बाद। शयास की चेस्ट को लगा रही हूँ मैं, इसको ज़्यादा कफ हो गया है, शयास को खांसी हो गई है बहुत, और दवा भी लेके आए हैं इसको जादव के उधर से, डॉक्टर है फैमिली डॉक्टर, उधर से ही लेके आते ज़्यादा, तो दवा भी चालू है, ये भी चालू है इसका। एक्चुअली ऑलमोस्ट थोड़ा असर हो गया है, थोड़ी थोड़ी कफ बाकी है, तो मैं थोड़ा सरसों का तेल सोने के टाइम लगा रही हूँ सर में, चेस्ट में, पैर में। ऐसा लगाने से क्या होता है, थोड़ा असर होता है, छोटे बच्चे लोग को भी ऐसा लगा देंगे ना, गर्म रहता है बॉडी। तो हम लोग का डिनर भी हो गया, दाल चावल भाजी झींगा खा लिए हम लोग। अभी कल मैं पढ़ा दी मैंने शयास को, स्टोरी सुनाऊँ बोला, स्टोरी भी सुना दी हूँ, अभी सो जाते हैं, सुला देती हूँ उन लोग को। सरसों के तेल बहुत गर्म होता है। ये अगले दिन की सुबह की क्लिप है, सैटरडे मॉर्निंग आज की। तो ये देखिए, आज सुबह मैंने रवा और दही मिक्स करके ले रही हूँ, रवे का अप्पे बनाने के हिसाब से। सुबह सुबह इतना लो फील हो रहा था आज भी मुझे, तो हैवी कुछ नहीं बना पाई, बस अप्पे भी तो हैवी रहता है, पेट में अच्छा खासा रह जाता है बच्चों के। तो हम लोग को ना सुबह सुबह हैवी नाश्ता नहीं जाता है, ये बच्चे लोग के लिए मैं ज़्यादातर बनाती हूँ डेली,
शायद के पापा तो बिल्कुल भी नहीं खा पाते, सुबह सुबह उनको जमता ही नहीं साग, खाली चाय टोस्ट दे दो बोलते हो तो। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा देती हूँ बच्चों के साथ साथ। ये मैंने तवा चढ़ा दी अप्पे का, तेल डाल दी हूँ, गर्म होने के बाद मैंने एक एक थोड़ा थोड़ा करके ये डाल दी हूँ। ये रवा, दही, नमक तीन ही चीज़ है। 5 मिनट के लिए मैंने भिगने डाली, ऐसी छोड़ दी थी मिक्स करके, 5 मिनट के बाद मैं ऐसा डाल रही हूँ। कुछ टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है। ये भी आप स्कूल बॉक्स में डाल सकते हैं, बहुत ईजीएस्ट रेसिपी है ये भी। इसका डोसा भी बन जाता है, सेम यही बैटर को डोसे के तौर पे हल्का सा तेल लगा के डाल देने का। और ये शहजान कुशास को ना अप्पे बहुत पसंद है, हर चीज़ में अप्पे अप्पे करते हैं लोग, तो उन लोग के लिए मैं ऐसा बना के दे रही हूँ। मैंने सोची आज पैनकेक बना दूँ, लेकिन ये सोची रवा भी पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने यही बना दूँ, बोली दही भी है तो रवा भी है, तो फिर देखते पैनकेक कल देखते या परसों देखते, जब भी स्कूल रहेंगे वो टाइम पे भी बना सकते पैनकेक। तो ये देखिए बन के तैयार है अप्पे 5 मिनट में, ना पीसने का ना भिगने भाने का टेंशन है इसका। शायद के पापा को आज मस्का पो खाने का मन हो रहा था तो ये लेके आए हैं। ये इतना खुश हो गया मस्का पो देख के, ज़्यादा मैं लाती नहीं हूँ मस्का पो। मुझे भी सर्दी हो गई है, गला बैठा बैठा सा हो गया है, थोड़ी कम हुई है। हम लोग जल्दी खाते नहीं है। खाओ खाओ, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। इन लोग को मैंने रवे का अप्पे दे दी। मुंह देखो इसका, टोमेटो सॉस का ऐसा भरा लिया है मुंह पे। जीवन भर के खाओ। चाय मस्का पाऊ, पहले मस्का पाऊ इतना खाती थी लॉकडाउन में, डेली मस्का पाऊ होता था अपना। थोड़े से झींगे उठा के रखी थी, उसका पुलाव बना दूंगी अभी। ये देखिए मैंने थोड़े वेजिटेबल काट के ले ली हूँ और चावल भी निकाल ली हूँ, इधर कांदा टमाटर काट के ले ली हूँ। और मैंने पुदीने को बर्फ बना के रखी थी, उसमें अभी दूसरे में इसमें डाल रही हूँ, बर्फ़ के क्यूब बना दूंगी बॉक्स में से निकाल के। फ़ायदा बहुत हो जाता है बर्फ़ बना के रखने से, पुदीना बार बार काला होता है अच्छा रखने से। इसमें सब मैंने मिला के ले ली हूँ, पुदीना, अदरक, लहसुन, गरम मसाला और वो जो धनिया पाउडर है वो भी सब मिक्स करके ले ली छोटी कटोरी में। इधर मैंने कुकर चढ़ा दी हूँ, इसमें 2-3 चम्मच उतना तेल डाल दूँगी अभी। झींगे का पुलाव बहुत इजी है, कोथमीर, पुदीना, अदरक, लहसुन, कांदा टमाटर लगता है और जो मर्ज़ी वेजिटेबल डालो या नहीं डालो आपकी मर्ज़ी है। मैं हर चीज़ में वेजिटेबल डालती हूँ क्योंकि बच्चे लोग खाते हैं तो उनको भी हेल्थ के लिए अच्छा ही है। इस हिसाब से आप भी ज़रूर खाना चाहिए, वेजिटेबल्स मोशन को लूज़ करता है, हेल्थ को अच्छा रखता है। और सबसे पहले मैंने तेल में ना 3 हरी मिर्ची डाल दी है, ज़्यादा तीखी नहीं है ये इसलिए डाल दी। और इसमें मैंने कांदा डाल दी है, 2 कांदे को मैंने काटी थी, ऑनियन की अच्छा लंबा लंबा काट के ले ली। इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा ही गोल्डन फ्राई करना है, एकदम डीप फ्राई नहीं करना है कांदे को। फिर कड़ी पत्ता डाल देना है, जितने चाहिए उतना हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। ये थोड़ा ऐसा फ्राई हो गया है तो यही टाइम पर अभी हम टमाटर डाल देते हैं। टमाटर अभी डालने का टाइम आ गया है। झींगे का पुलाव अच्छा लगता है, थोड़े ही थे 5-6 झींगे, उतने मैंने उठा के रखी थी कल फ्राई कर रही थी, तो मुझे आस थी कि झींगे का पुलाव खाना है तो मैंने थोड़े से ही निकाल के रख ली थी। तो अभी तरकारी का पुलाव बोलते वेजिटेबल पुलाव, ऐसा झींगा डाल के नॉन वेज पुलाव बना दी मैंने, वेज नॉन वेज। तो ये देखिए इसमें मैंने कैरेट, बीन्स, कैप्सिकम, आलू ले ली हूँ वेजिटेबल्स में, और एक कोथमीर थोड़ी सी डाल दी, कांदा टमाटर, कोथमीर भी ख़त्म हो गई है, जाके लाना है मार्केट जाने की भी सस्ती है, जाने का है, एक के लिए कौन जाएगा बोल के सस्ती होती है। अभी ये कांदा टमाटर अच्छे से नरम होना है, यही टाइम पे मैं डाल दी हूँ अदरक लहसुन, पुदीना,
गरम मसाले का पाउडर और धनिया पाउडर और ज़ीरा। धनिया पाउडर में मैंने चारों मिक्स करके रखी हूँ, आप लोग को बताई हूँ, पुराने सब्सक्राइबर्स है तो आपको मालूम ही रहेगा मैंने चार मिक्सचर को पीस के रख ली थी भून के। वही मिक्सचर का मैं आधा चम्मच इसमें डाल दी हूँ, हर चीज़ में लगता है वो, आप लोग भी ट्राई कीजिए पीस के रख लीजिए। और मैंने एक चम्मच हल्दी डाल दी हूँ वो मिक्सचर की, उस मिक्सचर में था धनिया, ज़ीरा, काली मिरी, सौंफ, चार चीज़ को भून के पीस ली थी मैंने, वो बहुत सी चीज़ों में लगने वाला है। भून के पीसने से क्या है ना, बार बार भूनो पीसो टेंशन नहीं रहता है, इसको अच्छे से मैश होए तक भी, तेल छूटने तक भी पकने देना है। और इसमें से तेल निकलने लगा है देखिए आजू बाजू किनारों में, और वही टाइम पे मैंने नमक डाल दी हूँ, और ये अभी वेजिटेबल्स और झींगे मैंने डाल दूँगी। ये देखिए झींगे मैंने साफ़ करके कल ही रख दी थी फ्रीज़र में, डीप फ्रीज़ कर ली थी मैंने, और ये वेजिटेबल्स को अभी काट ली हूँ मैंने, तो ये सब डाल दूँगी। आप चाहे तो ये सब पहले ही एक दिन पहले काट के रख सकते हैं, आसान हो जाएगा। अब ये रात के हिसाब का मैं बना दूँगी, फिर रात में कौन बनाएगा, मैं जल्दी रात में अलग दोपहर में अलग ऐसा नहीं करती हूँ, मूड के ऊपर ही चलती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ बना के हट जाती हूँ, नहीं तो ये छोटा बच्चा है ना परेशान करके रख देता है। ये देसी घी एक चम्मच डाल दूँगी, ये मैंने घर में निकाली थी घी, आप लोग देख सकते हैं पुराने वीडियो में 1 किलो घी निकला था। शाज खेल रहे हैं, किचन साफ हो गया है, अभी मेरा पूरा पुलाव 2 विजल के बाद बन गया है, अब उसकी भाप जाने के बाद मैं निकाल लूँगी। झींगा पुलाव बनके तैयार है। शहजान रो रहा था, बाहर लेके आ गई। शहजान शहजान दा शहजान शहजान शयू गया, इस्तेमा तो ख़त्म हो गया आज से, तो अरबी गया है, धूप एकदम कड़क है। जैसा बाहर लेके आया इतना खुश हो गया शहजान। इसकी फ्रेंड है खतीजा, उसके साथ खेल रहा है बाहर अपने घर गैलरी में, इतना खुश हो गया है देखो। शहजान जूते पहन के घूम रहा है, शयास के जूते है वो, शयास को छोटे हो रहे हैं अभी, इसको तो बड़े ही हो रहे, अब ये थोड़ा और बड़ा होएगा तब होएंगे वो। बड़े भाई लोग का ये सामान छोटे भाई लोग को काम आ जाता है, कपड़े भी जूते भी हर चीज़ भी, घर में बड़े भाई रहते तो छोटे भाई को यूज़ आता है। तो अभी मैं जाने तैयार हुई हूँ सासू माँ के उधर, शहजान इतना खुश हो गया, जल्दी चलो बोले, कड़क धूप है, 6:45 हो रहे हैं अभी भी, इतनी कड़क धूप है बताओ। शायाज अरबी से उधर से ही ले लूँगी, शायाज को नीचे ही है ना बिल्डिंग में, अरबी जाता है वो, तो उधर से ही लेके जाऊँगी, 5-6 कदम का रास्ता, बाजू ही तो है सासू माँ का घर। वड़ा पाव और भजिया पाव ले ली हूँ मैंने, अभी जा रही हूँ सीधा दादी के उधर। वड़ा पाव भजिया पाव, शायाज के दादा है नहीं, पूना गए हुए हैं, दादी है घर पे अकेले बैठे हैं, इसलिए मिलने आ गई। थोड़ी देर खेल कूद के उधर ही बैठे थे लोग, फिर अभी आए हम लोग बाजार में, पानी पूरी चाहिए बोला शयास, तो पानी पूरी मैं पार्सल ले रही हूँ, घर में बैठ के खाएंगे बोल के जुगाड़ लगाएंगे कुछ। तो कुछ भी इधर से लेके खा लेंगे। इधर देखिए बना कुरला का बाजार, अभी यहाँ से लेके निकले, घर आ गए हम लोग। ये देखिए रगड़ा, मीठा पानी, तीखा पानी, ये देखो पूरी में खड्डा कर रहा है शहजान, पूरी की चटनी बना रहा है वो, मैं एक्साइटेड हो गई खाने के लिए। पानी पूरी सबको पसंद रहेगा है ना। रगड़ा डालेंगे, मीठा पानी डालेंगे, तेज पानी डालेंगे, फिर खाएंगे शहजान।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग अभी हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, बाय, दुआ में याद रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, बाय। हर चीज में झगड़े।